अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लेटेस्ट सऊदी न्यूज़ एंड उर्दू की जानब से आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद किया जाता है। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि इकामा होल्डर थे और वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि किस तरह वतन वापस यानी कि अपने सऊदी अरब जा सकते हैं जबकि उनकी मुद्दत जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या उन पर कोई भारी जुर्माना किया जाएगा या कुछ और जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आपके साथ अभी जो है वो शेयर करते हैं। तो इस पर ये अफराद वो सवाल ये थे कि वो अफराद जो छुट्टी पर पाकिस्तान गए हुए हैं और वक्त मुकर्रर पर सऊदी अरब नहीं आ सके, तो उनके खरूज व दावा यानी कि एग्ज़िट री इंट्री वीज़ों की मुद्दत में इजाफ़ा किया गया है या नहीं किया गया। तो इस पर हुकाम ने ब्रीफ देते हुए कहा है कि अभी क्योंकि मुल्क में एक कोरोना वायरस की बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, तो इस वजह से मुल्क भर की तमाम सरगर्मियाँ जो है वो अभी ख़त्म कर दी गई हैं, मुअत्तल कर दी गई हैं। तो जो लोग अभी छुट्टी पर गए हुए थे उनका एग्ज़िट री इंट्री वीज़ा की मुद्दत जो है उनमें भी अब तोसी कर दी गई है, यानी कि उनके लिए खुशी की खबर है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इलावा से उन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ का ऐलान जो वो बाद में किया जाएगा कि कब उनको बुलाना है कब नहीं बुलाना, लेकिन जैसे ही फ़िज़ाई हदूद खुलेंगी और मुल्क में कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा या शिद्दत इख्तियार नहीं करेगा, कम से कम दर्जे तक रह जाएगा, जैसे नए शेड्यूल जारी होंगे तो आप लोगों को खबर कर दिया जाएगा। तो ये